हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके आगे चिकन मटन सभी फेल हैं, और जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी है। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और इसे पौष्टिक बनाने के लिए मैंने इसमें क्या क्या डाला है तो ये तो आपको इसको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, उस पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के तेल डाला है। आप कुकर की जगह पे इसको डेक्ची में भी बना सकते हैं। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच तेज़पत्ते और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। और यहाँ पे देखिए, 2 से 3 मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे डब्बे में ऐसे ही मिल गई तेज़पत्ते के साथ में, तो मैंने डाल दी। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से भून लेंगे कम से कम 1 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून भर के नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून भर के हल्दी। और इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को गलने देंगे। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकने दें, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। और टमाटर गलने के बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है मीट मसाला, जो कि रेडीमेड वाला एवरेस्ट का मीट मसाला है। और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास मैगी मसाला रखा हुआ था, यानी कि नॉर्मल जो हम मैगी लेते हैं तो उसका जो ऑलरेडी उसमें से थोड़ा सा पाउडर निकल चुका था, तो बाकी का जो बचा हुआ था मैंने इसमें डाल दिया है। इससे पुलाव में जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है सोया चंक्स, थोड़े से 1 कटोरी भर के होंगे, जिसको मैंने 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया। उसके बाद में इसका पानी पूरा निचोड़ के मैंने हल्का सा इसको तेल में सौते कर लिया था, हल्का सा फ्राई करने के बाद में मसाले में डाल के उसको अच्छे से मैंने भून लिया मसाले के साथ में। और सोया चंक्स को मसाले में अच्छे से भूनने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी पालक। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा बाउल भर के पालक लिया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा पौष्टिक और कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। इसको आप चाहेंगे कि आप अपने परिवार वालों को खिलाएँ। और पालक को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि उसका पूरा पानी नहीं सूख जाता, जब तक उसको भूनने के बाद में हम इसमें डाल देंगे चावल। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास भर के चावल डाले हैं। तो चावल आप कोई भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे बासमती चावल डाले हैं। तो चावल डाल के भी मैं देखिए इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, इसको पूरा ड्राई कर लूँगी। इससे जो पुलाव है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें चाहें तो 1 टीस्पून भर के घी भी डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो है ये और भी ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। इसको सबको अच्छे से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से पूरा फ्राई कर लेंगे। और जब भी हम कभी खिचड़ी पुलाव या ऐसा वेज पुलाव वगैरह बनाते हैं ना, तो चावल को इस तरह मसाले में फ्राई करने से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमारा जो खाना है जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। चलिए, अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो मैंने यहाँ पे जिस गिलास से 1 गिलास चावल लिया था, मैंने उसी गिलास से इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो एक्चुअली मेरे जो चावल हैं थोड़े पुराने हैं, अगर आपके चावल अगर नए हैं तो आप इसमें 1.5 गिलास ही पानी डालेगा। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 सीटी, तो आप अपने हिसाब से सीटी ले सकते हैं। उसके बाद में हम गैस बंद करके फिर कुकर को अपने आप से ठंडा होने देंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मेरा प्रेशर कुकर जो था वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो है न्यूट्री पुलाव, या इसको आप पालक पुलाव भी बोल सकते हैं, बनके तैयार हो चुका है। और ये देखने में ही कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये पालक पुलाव, मैं तो हमेशा बनाती ही रहती हूँ। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, आपके घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इवन आप अपने बच्चों को भी ये पुलाव को खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। बस इसमें थोड़ा सा आप लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर दें तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप अपने हिसाब से इसमें मटर डाल सकते हैं, हरे मटर डाल सकते हैं, आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सब लाव बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।